हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का बीच जो ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा फर्स्ट, उनके बारे में। ये जो ओडीआई मुकाबला फर्स्ट खेला जाएगा वो खेला जाएगा अफगानिस्तान, जिसे शॉर्ट में AFG कहते हैं, और दूसरा खेला जाएगा साउथ अफ्रीका, सीधे शॉर्ट में SA कहते हैं। उसके बाद देखिए, टाइम की बात करें तो आज ही शाम को 5:30 PM में खेला जाएगा, यानी 5:30 इंडियन समय अनुसार खेला जाएगा। 5:30 जो मुकाबला होगा, इस मुकाबले में प्राइज की बात करें तो इतना प्राइज रखा गया है। इस प्राइज को हासिल कराने वाले बैट्समैन या बॉलर या ऑलराउंडर को कौन सा होगा, कौन सा खंडित कर बैट्समैन देगा, कौन सा ऑलराउंडर देगा, सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। साथ ही साथ डर्म कार्ड यूनिक बैट्समैन के भी बारे में बताऊंगा, जिनका सेलेक्शन परसेंट काफ़ी लो है, लेकिन वो अच्छे खासे प्रदर्शन करने का संभावना और उम्मीद है। यहाँ पर कुल कितने मुकाबले हुए हैं और कौन सा बैटिंग फर्स्ट करने वाले कितने जीते हैं, बैटिंग सेकंड करने वाले कितने जीते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को रिसेंट के फॉर्म के अनुसार बताऊंगा लाइनअप में किसका नाम शामिल है, किन का नहीं, और डर्म कार्ड यूनिक कौन होगा, किसका अच्छा खासा प्रदर्शन है, ये भी बताएंगे, ताकि आप लोग एक अच्छे खासे टीम क्रिएट कर सकें। अच्छे खासे टीम के साथ साथ आप लोग कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी अच्छे दे सकें, ताकि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाए। चलिए, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को विकेट कीपर सेक्शन से जितना भी विकेट कीपर है किसका कैसा रिकॉर्ड है वो भी बता देंगे, जिनका सेलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा ये भी बता देंगे, क्योंकि ODI है ये बात, T20 और ODI का प्लेयर में फ़र्क बहुत होता है, जिसके कारण आप लोगों T20 का प्लेयर ले लेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आर ग्रुप वाज के बारे में बता देते हैं। ये 5 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले में से 2 में अच्छे प्रदर्शन किए हैं, 3 में फ्लॉप्स हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा, किवी वीरेन भाई, ये रिसेंट के फॉर्म खेले नहीं है, जिसके कारण अभी खास फॉर्म इनका है नहीं। अब बात कर लेते हैं टीसर भाई, इनका लाइनअप में तो नाम शामिल है लेकिन 4 नंबर में है। बैट्समैन की दृष्टि से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का एक लौता बैट्समैन का रूम में है, जिसे विराट कोहली की तुलना किया जा सकता है, क्योंकि ये डिकॉक के पास यही एक बैट्समैन है जो अर्धशतक और शतक लगाने की काबिलियत और क्षमता रखता है। इन 3 विकेटकीपर में से का लाइनअप में नाम शामिल है, इन 3 में से आप लोग किसी 1 या 2 के साथ जा सकते हैं। अगर आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा GL का सेफ टीम लगाना चाहते हैं तो इन 3 में से किसी 1 के ट्राई कर लीजिएगा। अब आते हैं बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है वह है बैटिंग पिच गुड फॉर स्पिनर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 148 है, वेन्यू शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में खेला जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को ग्राउंड की बात बता देते हैं। बैटिंग पिच तो है लेकिन मेरे हिसाब से बैलेंस पिच है, पेसर से अपेक्षा स्पिनर को बोलवाला ज़्यादा है, और कौन सा स्पिनर का विकेट मिलेगा और कौन सा स्पिनर को अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन देना चाहिए ये भी बताएंगे। चलिए, आप यहाँ पर बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पर कुल कितने मुकाबले हुए हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले मैं देखिए, टी भमा का लाइनअप में नाम शामिल है, प्लेइंग 11 में नाम दिया है लेकिन ये खेलेगा नहीं। पहले बात, अभी जितने भी मुकाबले हो रहा है लाइनअप में कुछ नाम और दिया रहता है, टॉस होने के बाद कुछ और हो जाता है, जिसका लाइनअप में नाम रहता है वो खेलने का चांस नहीं मिलता है, और जिनका लाइनअप में नाम नहीं रहता है उन्हें खेलने का मौका और चांस मिल जाता है। इसलिए हरिकेन्स अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा और आशा ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, रिकॉर्ड की दृष्टि से अनुभव है अफगानिस्तान की, ISR ने खेले हैं 3 मुकाबले, ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, सेलेक्शन पर यह काफ़ी आया है। अब देखिए, टी वेस्टर्न साउथ अफ्रीका के हैं, अगर बाई चांस लाइन में तो नाम शामिल नहीं है,
खेलेगा तो अपने टीम में रख सकते हैं। जिस सुमित का सिलेक्शन परसेंट लो है लेकिन साउथ अफ्रीका का तीसरा बल्लेबाज के रूप में उभर कर आएगा, शामिल होगा और तीसरे बल्लेबाज के रूप में साथ साथ आप लोगों को डर्म कार्ड यूनिक हो जाएगा, बैट्समैन और बॉलिंग दोनों से आप लोग को पॉइंट देगा। लेकिन अगर ODI है इसे मौका तो 5 से 7-8 नंबर तक के मिल सकता है, चाहे कितनों भी बॉलिंग ख़त्म क्यों ना हो, ODI में कोई निश्चित नहीं होता है किनका बल्ला चल सकता है। इसलिए आप आते हैं ओलंडर सेक्शन में। ओलंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को इस ग्राउंड के कितने मुकाबले हुए हैं वो बता देते हैं। इस ग्राउंड पर करीबन 256 मुकाबले हुए हैं, 256 मुकाबले में से 134 मुकाबले जो है वो बैटिंग फर्स्ट करने वाले जीते हैं और 120 मुकाबले जो है बैटिंग सेकंड करने वाले जीते हैं और 2 मुकाबले जो है नो रिजल्ट रहा है। अब मैं आप लोगों को इस ग्राउंड के हाई स्कोर और लो स्कोर की बात करते हैं। हाई स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 250 से 180 तक बना है। लो स्कोर की बात करें तो 54 पर ऑल आउट हो चुका है। इसलिए मेरे हिसाब और मेरे अनुभव और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोग बैलेंस पिच के हिसाब से टीम बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं चाहे बैटिंग पिच हो, चाहे बॉलिंग पिच, चाहे बैलेंस पिच, मैं ज़्यादातर बैटिंग के नहीं बॉलर पर विश्वास और ओलंडर पर रखता हूँ, क्योंकि मुझे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो बैट्समैन और बॉलर से ही हो रहा है, ओलंडर और बॉलर से हो रहा है, बैट्समैन से मुझे खास प्रॉफिट हो नहीं रहा है। अगर आप लोग बैटिंग फेवर में बनाना चाहते हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन बैट्समैन को दे सकते हैं, अन्यथा ड्रॉप करके जा सकते हैं। लेकिन मैं गरेंद्र लिख का रिक्सी टीम बनाऊंगा, इसलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन रिक्सी लूंगा। चाहे या तो मेरा एंट्री फीस डूबेगा या मेरा एंट्री फीस के अपेक्षा 10% 5% के प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पर एडम मार्कर बैट्समैन की दृष्टि से अच्छा है, अनुभव है, एन नबी ठीक ठाक है, ए मटन का सिलेक्शन परसेंट लो है लेकिन रिसेंट के फॉर्म काफ़ी अच्छे हैं, पूरे का पूरे 4 ओवर खेलेगा, ए प्रसन्न अच्छा खासा बॉलर है, कभी मौका मिलने पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पर एन डर्म कार्ड यूनिक होगा, लाइनअप में नाम शामिल है, रिकॉर्ड की दृष्टि से अच्छे हैं। जी नबी के बात करें तो 1 मुकाबले खेले हैं, 1 विकेट निकाले हैं। अब ये 6 ओलंडर में से आप लोग किसी ओलंडर को ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप लोग किसी ओलंडर को ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में इम्पॉर्टेंट बॉलर के रूम में रहेगा राशिद खान, क्योंकि कोई भी ग्राउंड हो इसे तो विकेट मिलना तय है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है स्पिनर को तो राशिद खान अच्छे खासे होगा। लुंगी का लाइनअप में नाम शामिल है, इन्हें पिटाई होता है लेकिन अच्छा खासा विकेट निकाल के जाता है। FUN आज के मुकाबले में विकेट मिल सकता है क्योंकि इस ग्राउंड पर अच्छे खासे हैं। अब यहाँ पर ओ स्टम अच्छा खासा है, साउथ अफ्रीका से डर्म कार्ड यूनिक, एल लुएसन डर्म कार्ड यूनिक होगा, बी वर्ज स्पिनर है, ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 6 बॉलर है, 6 बॉलर में से किसे रखना है, क्यों रखना है, किस रीजन से रखना है ये भी बताएंगे, ताकि मैं किस रीजन से रखता हूँ आप किस रीजन से रखेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे खासे प्रॉफिट हो सके। अब मैं आप लोगों को हेड टू हेड मुकाबले के तुलना किया जाए तो हेड टू हेड मुकाबले दोनों टीम आपस में 2 खेले हैं, दोनों को दोनों साउथ अफ्रीका जीते हैं। इसलिए रिसेंट के फॉर्म के अनुसार देखा जाए तो अफगानिस्तान 5 मुकाबले जीते हैं और यहाँ पर साउथ अफ्रीका 5 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका, 5 मुकाबले अफगानिस्तान खेले हैं और दोनों टीम रिसेंट में 2-2 मुकाबले जीत कर आए हैं, 2-2 मुकाबले जीते हैं, 3-3 दोनों मुकाबले हार कर आए हैं, यानी अभी रिसेंट के फॉर्म के अनुसार अफगानिस्तान भी कमज़ोर नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पर
सबसे पहले मैं टी वेस्ट को लूँगा, अच्छा खासा बैट्समैन है, इसे लेने के बाद आर गावस्कर को लूँगा। ये मेरा दो डर्म कार्ड यूनिक हो गया, मतलब सेव हो गया। दोनों इसलिए लेता हूँ क्योंकि इनसे दो फायदा है, अगर बैटिंग से फ्लॉप्स हुआ तो विकेट कीपरिंग से पॉइंट देगा, अगर विकेट कीपरिंग से फ्लॉप्स हुआ तो बैटिंग से पॉइंट देगा। इसके पास दो कम्युनिटी है, अगर एक आध दो कैच पकड़ लिया है तो अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, अच्छे खासे उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। अब दो विकेट कीपर में से किसी को ले सकते हैं। अब आते हैं बैट्समैन में, बैट्समैन में आने के बाद देखिए इंपॉर्टेंट बैट्समैन के रूप में मेरा जे वल्टन लूँगा, सेलेक्शन परसेंट लो है, तीसरा नंबर का बैट्समैन है, यूनिक के साथ साथ अच्छे खासे प्रॉफिट होने वाला है। अब यहाँ पर टी वेस्टर्न अच्छा खासा है, साउथ अफ्रीका का है, मैं इसे लूँगा अपनी टीम में। हरिकेन्स अब इनमें से किसी को ले सकते हैं, आर रसन को लूँगा मैं क्योंकि इनका तीन नंबर में बैटिंग करने का चांस होगा, इसलिए मैं तीनों का तीनों बैट्समैन यूनिक ले लिया हूँ। तीन बैट्समैन यूनिक लेने के बाद देखिए हरिकेन्स दो नंबर में बैटिंग करेगा लेकिन मैं इसे ड्रॉप कर जा रहा हूँ, इसे मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि मैं करेंट लीग का रिक्सी टीम बनाता हूँ, इसलिए इन तीन बैट्समैन को लेने के बाद अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ओलंडर सेक्शन में एम नबी को मैं तो अपनी टीम में कोई भी हाल में लूँगा, एडम मार्कर को लूँगा, ऑटोमाइज को लूँगा, इन्हें लेने के बाद देखिए एन नदीप को लूँगा और पाँचवा करूँ में ए प्रसुकून लूँगा। ये पांच जो है इसे मैं अभी फिलहाल के लिए इसे ड्रॉप कर यहाँ पर बॉलर सेक्शन में आ जाता हूँ। बॉलर सेक्शन में यहाँ पर राशिद खान को लूँगा, राशिद खान को लेने के बाद ल्यूएसन को लूँगा, इन्हें लेने के बाद देखिए दो बॉलर लिया हूँ, ध्यान से देखिएगा दो बॉलर और चार ऑलराउंडर लिया हूँ, दो बॉलर में से एक यूनिक बॉलर लिया हूँ, एक सेव बॉलर लिया हूँ। अब यहाँ पर चार ऑलराउंडर लिया हूँ, चार ऑलराउंडर में से सेव लिया हूँ तीन, एक यूनिक लिया है, यानी दो मिला मेरा यूनिक हो गया है, जिसे अब यहाँ पर तीन दो पाँच मेरा यूनिक हो गया है, तीन बैट्समैन यूनिक और दो सेव लिया हूँ, यानी पांच बैट्समैन मेरा यूनिक और रिक्सी लिया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट कहता हूँ, अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, हर कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन के एडम मार्कर के रूम में देगा क्योंकि स्पिनर का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, इसलिए कैप्टन इसे देगा और वाइस कैप्टन के रूम में इसे राशिद खान का देगा। देखिए मैं ना तो राशिद खान को कैप्टन दूंगा, ना तो एडम मार्कर को वाइस कैप्टन दूंगा, मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी थोड़ा यूनिक दूंगा। आज का मेरा कैप्टन मोहम्मद नबी रहेगा, वाइस कैप्टन के रूम में एडम मार्कर रहेगा। अब मैं सेव टीम करता हूँ, सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है, ये देखिए मेरा टीम का परव्यू रहेगा, ये मेरा ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम है। अगर आप लोगों को ये ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद दोस्तों।